नमस्कार, मैं भाग्यश्री। बीसीएन न्यूज के बिजनेस समाचार में आप सभी का स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले आइए डालते एक नज़र आज की सुर्खियों पर। कई देशों ने लगाया प्रतिबंध, भारत पर लग रहा है ट्रैवल बैन। पीक सीजन में घट सकती है चीनी की डिमांड। हर साल लगभग 1% बढ़ने वाली मांग 0.8% घटकर 253 टन रह गई। कोविड-19 महामारी के तेजी से बढ़ते मामलों के दबाव में अंतर बैंकिंग मुद्रा बाजार में रुपया आज 52 पैसे की भारी गिरावट के साथ बंद हुआ है और कारोबार की समाप्ति पर $1.7487 का बिका। रुपया पिछले दिवस 58 पैसे मजबूत होकर $74.35 प्रति डॉलर पर रहा था। भारतीय मुद्रा पर शुरू से ही जबरदस्त दबाव रहा। यह 45 पैसे लुढ़क कर 74.80 रुपए प्रति डॉलर पर खुली। घरेलू शेयर बाजारों में भी सुबह से ही जोरदार बिकवाली ने रुपए पर दबाव बनाया है। एक समय रुपया 75.05 रुपए प्रति डॉलर तक टूट गया था, लेकिन बाद में इसने कुछ वापसी की और अंत में 74.87 रुपए प्रति डॉलर पर बंद हुआ। इसका दिवस का उच्चतम स्तर 74.79 रुपए प्रति डॉलर रहा। दुनिया की अन्य 6 प्रमुख मुद्राओं के बास्केट में डॉलर सूचकांक में गिरावट और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल भी नरमी से रुपए पर दबाव कुछ कम हुआ। ब्यूरो रिपोर्ट, बीसीएन न्यूज। देश के कई इलाकों में लॉकडाउन की वजह से गर्मी के पीक सीजन में बढ़ने वाली चीनी की मांग लगातार दूसरे साल भी कमजोर रहने का अनुमान है। इसकी वजह से घरेलू स्तर पर दाम भी नीचे रह सकते हैं। शुगर इंडस्ट्री के सूत्रों के मुताबिक गर्मी में कोल्ड ड्रिंक, आइसक्रीम जैसे इंडस्ट्री में शक्कर की मांग बढ़ती है, लेकिन पिछले साल भी मार्च के समय लॉकडाउन लगने से हर साल लगभग 1% बढ़ने वाली मांग 0.8% घटकर 253 टन रह गई थी। इस साल भी गर्मी आने से पहले ही लॉकडाउन लग रहा है और चीनी की डिमांड पिछले साल जितनी ही रहने की आशंका जताई जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, बीसीएन न्यूज। उम्मीद से बेहतर परिचालन प्रदर्शन के चलते एसीसी सीमेंट कंपनी का जनवरी मार्च तिमाही में मुनाफा सालाना आधार पर 74.2% बढ़कर 563 करोड़ रुपए हो गया है। कंपनी की आमदनी 22.7% बढ़कर 4,213 करोड़ रुपए हो गई है। 2020 की पहली तिमाही में कंपनी की आमदनी 3,433 करोड़ रुपए थी। कंपनी ने तिमाही नतीजे जारी किए हैं, जिसके मुताबिक सीमेंट की बिक्री 2021 की पहली तिमाही में सालाना आधार पर 21.5% बढ़कर 79.7 लाख टन हो गई है। साल भर पहले समान तिमाही में सीमेंट की बिक्री 65.6 लाख टन थी। हालांकि रेडी टू मिक्स कंक्रीट की बिक्री 8.3 लाख क्यूबिक मीटर रह गई है, जो साल भर पहले समान तिमाही में 9.3 लाख क्यूबिक मीटर थी। ब्यूरो रिपोर्ट, बीसीएन न्यूज। भारत में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों की वजह से दुनिया भर के मुल्क भारत से आने वाली फ्लाइट पर बैन लगा रहे हैं। हांगकांग ने रविवार को भारत से आने वाली उड़ानों पर रोक लगा दी। वहीं ओमान ने भी भारत जाने वाले अपने यात्रियों के लिए एडवाइजरी जारी कर दी। दूसरी ओर ब्रिटेन के साथ भारत ने एयर बबल समझौता किया हुआ है, लेकिन देश में मांग उठने लगी है कि भारत को रेड लिस्ट में शामिल किया जाए। इस लिस्ट में शामिल होने के बाद भारत से ब्रिटेन आने जाने वाली फ्लाइट्स पर रोक लग जाएगी। कई देशों में मांग उठ रही है कि कोरोना से बुरी तरह प्रभावित मुल्कों से आने वाली फ्लाइट्स पर बैन लगाया जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, बीसीएन न्यूज। के बाद से LIC में डिजिटल पेमेंट की रफ्तार तेजी से बढ़ी है। कंपनी की डिजिटल ट्रांजेक्शन की संख्या 8 करोड़ है, जिनके जरिए लगभग 60,000 करोड़ रुपए प्रीमियम मिलता है। इसमें बैंकों के जरिए होने वाला प्रीमियम शामिल नहीं है। डिजिटल भुगतान की एंड टू एंड समाधान के लिए LIC ने पेमेंट प्लेटफॉर्म पेटीएम के साथ समझौता किया है। पहले LIC का समझौता दूसरे पेमेंट गेटवे के साथ था। 17 पेमेंट प्लेटफॉर्म ने इसके लिए बोली लगाई थी, मगर पेटीएम को यह कॉन्ट्रैक्ट मिला है। नए कॉन्ट्रैक्ट के तहत भुगतान प्रक्रिया सरल बनाई जाएगी। ग्राहक को भुगतान के लिए अधिक विकल्प दिए जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, बीसीएन न्यूज। खबरें समाप्त करने से पहले आइए डालते एक नज़र आज की सुर्खियों पर। कई देशों ने लगाया प्रतिबंध, भारत पर लग रहा है ट्रैवल बैन। पीक सीजन में घट सकती है चीनी की डिमांड। हर साल लगभग 1% बढ़ने वाली मांग 0.8% घटकर 253 टन रह गई। बिजनेस समाचार में फिलहाल इतना ही। ऐसी अन्य खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए बीसीएन न्यूज। नमस्कार।